नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू में जारी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी और इसे निजी बताया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं, मुझे देश की आर्मी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि अगर सेना कोई ऑपरेशन करती है तो उसका सबूत देने की जरूरत नहीं। उधर सेना की वीरता पर दिए गए दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर घमासान जारी है, विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस बीच दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर अपने रुख को स्पष्ट करने की वकालत की है, लेकिन चौतरफा ये सवाल किए जा रहे हैं कि क्या असहमति जता देना ही काफी है, यानी बयान से तो दूरी लेकिन आखिर कार्रवाई कब। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा प्राइम डिबेट इंडिया में। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। और जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। तो बयान से तो दूरी कर ली गई है, असहमति जता दी गई है, लेकिन माफी नहीं मांगी गई है। यही मांग चार तरफ से यानी चौतरफा की जा रही है कि आखिर यात्रा भारत जोड़ो यात्रा में अभी भी उन्हें स्पेस देना क्या ये दर्शाता है कि कितने दूर और कितने पास वाली स्थिति। आज इसी मौजू पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे बीच हरिशंकर गुप्ता साहब जो कि फॉर्मर एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हैं हमारे बीच मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम, पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, आपका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से आपका ताल्लुक है। इसके अलावा पीडीपी के प्रवक्ता भी हमारे बीच मौजूद है, वरिंदर सिंह साहब, आपका भी स्वागत करते हैं। और इस बीच ब्रिगेडियर धीमान साहब भी मौजूद हैं, चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत करते हैं इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले चूंकि ये जो घमासान जारी है वो दिग्विजय सिंह के सेना के शौर्य को लेकर बयान पर घमासान जारी है, सवाल कांग्रेस से जब किया जा रहा है तो कांग्रेस की तरफ से सफाई भी दी गई, ना सिर्फ कई नेताओं प्रवक्ताओं की तरफ से। आज खुद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है और राहुल गांधी ने कहा है कि वो दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं है, जैसे कि हमने आपको कुछ देर पहले सुनवाया। उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 6 बजे ट्वीट किए गए हैं, वो ट्वीट भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। ये ट्वीट है दिग्विजय सिंह के, जो उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और इस ट्वीट से ये स्पष्ट करने की वकालत की है कि उनका बयान जो था, उनकी जो बातें थी वो दरअसल डिफेंस ऑफिशियल को लेकर नहीं थी, वो सरकार से सवाल कर रहे थे। कई सवालों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जिस बात को लेकर घमासान जारी है, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने को लेकर जिस चर्चा चल रही है, उसको लेकर इन ट्वीट्स में कोई रुख साफ करने की, किसी तरह के रुख साफ करने की बात नहीं की गई है। और एक सवाल और उठता है कि राहुल गांधी की प्रतिक्रिया देने के बाद क्या उसके बाद कांग्रेस को लेकर जैसे सवाल किए जा रहे हैं कि क्या परेशानी में मुब्तला हो गई है कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयान के बाद, तो इतनी देर लग गई दिग्विजय सिंह को अपना रुख जो है स्पष्ट करने के लिए। आज इसी मौजू पर करेंगे चर्चा। कई सवाल मौजूद है हमारे दरमियान, कई खास मेहमान। सबसे पहले हरिशंकर गुप्ता साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। पहले बयान, फिर घमासान और अब स्पष्ट रुख करने की बात कही गई और साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी बयान दे दिया, लेकिन अब चौतरफा जो मांग की जा रही है कि असहमति जता देना ही काफी नहीं है, कार्रवाई या फिर माफी कब। देखिए, इसमें आपने सही कहा है और मैं एक बार स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के शीर्षतम नेता हैं आज के दिन, और शीर्ष नेता कांग्रेस पार्टी के नहीं है, राष्ट्र के नेता भी। जो काम उन्होंने किया है इस यात्रा के माध्यम से, वो शायद इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। अब जहां तक रहा दिग्विजय सिंह जी के बयान की बात, तो राहुल गांधी जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। इसका मैंने, अगर हम ये निकालना चाहें कि माफी नहीं मांगी तो निकाल सकते हैं, लेकिन सहमति नहीं जताना इतने बड़े आदमी का,
पार्टी के एक फंक्शनरी के बयान के बारे में तो बिल्कुल साफ है कि दिग्विजय सिंह जी को यह बयान नहीं देना चाहिए था। ठीक है, और एक तरीके से आप समझिए कि सहमति जताना माफी मांगने के बराबर ही है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बयान पे माफी दिग्विजय सिंह को मांगना चाहिए, क्योंकि बयान उनका है, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। जयराम रमेश जी हमारे ऑफिशियल चीफ प्रवक्ता है, उनकी तरफ से भी ये बात कह दी गई है। राहुल गांधी शीर्ष नेता है, उनकी तरफ से भी बात कह दी गई है। अगर माफी मांगनी है तो दिग्विजय सिंह मांगे। और दूसरी बात जो ये है जी, जब से भाजपा का शासन आया है गलतियों के बारे में माफी मांगने की प्रथा तो खत्म हो गई है। आए दिन भाजपा का कोई ना कोई नेता इस प्रकार की बात करता है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, नहीं, आप बात पूरी करिए, भाजपा को लेकर सवाल खड़े करिए। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो लोग मांग कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी से मांग नहीं कर रहे हैं कि वो माफी मांगे, वो मांग ये कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह। और मेरा सवाल भी सर यही था कि दिग्विजय सिंह ने जो अपने रुख को स्पष्ट करने की बात ट्वीट के जरिए कही है, जो अब से कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पर था, उसमें उन्होंने कई सवाल दागे हैं जो उस दिन उन्होंने पूछे थे, लेकिन उस बात का जिक्र नहीं किया है जिस पर बवाल मचा हुआ है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या दिग्विजय सिंह को यह स्पष्ट करना नहीं चाहिए इस वक्त की जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात कही थी, उससे कहीं ना कहीं सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त करना चाहिए। मैं तो दो टूक आपसे कह दिया कि माफी दिग्विजय सिंह को मांगना चाहिए, मैंने तो कह दिया, इससे स्पष्ट बात तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं साथ में जो कह रहा था, मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी, मैं ये कह रहा था माफी मांगने की जो प्रथा थी हिंदुस्तान के अंदर गलतियों की, कांग्रेस ने तो हमेशा उसको निभाया है, लेकिन जब से भाजपा का शासन देश में आया है ये माफी मांगने की प्रथा ही खत्म हो गई। कोई ना कोई सांसद, कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई गेरुआ पकड़े हुए नेता, कोई ना कोई ऐसी बात रोज ही करता है जो देश को बहुत नुकसान पहुंचाती है, देश की संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाती है, भाईचारे को नष्ट करती है, देश को बांटने की बात करती है, लेकिन बीजेपी चुप कर जाती है। आपने कभी सुना उनका किसी नेता ने माफी मांगी है? बड़े से बड़े कृतज्ञ की माफी मांगी है उन्होंने, लेकिन हम आपके इस सवाल पर बीजेपी के प्रतिक्रिया रिएक्शन आने बहुत जरूरी हो जाते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे दरमियान मौजूद है, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, वो कह रहे हैं माफी मांगने की शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की थी, अगर कुछ गलती होती है तो माफी मांग लिया जाता, लेकिन इस प्रथा को, इस चलन को खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इतने बड़े राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर, यहां राष्ट्र की एकता के ऊपर, और जो सिंबल है राष्ट्रीय एकता का, हमारी सॉवरेंटी का, सेना, उसके ऊपर तो कांग्रेस का सीनियर मोस्ट फंक्शनरी क्वेश्चन मार्क लगाता है, बार बार लगाता है, या कोई पहली बार बयान नहीं दिया है? क्या राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? यह कौन सी बात है असहमति व्यक्त करना? पाकिस्तान कांग्रेस की यह हिपोक्रेसी है, वो जो है हर वो नेगेटिव चीज है उसको बनाना चाहते हैं। अरे भाई, दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के दाएं या बाएं बैठते हैं, और ऐसे आदमी के ऊपर देशद्रोह का जो है मुकदमा होना चाहिए, जो कि हमारी सेना के ऊपर, उनके शौर्य के ऊपर 42,000 जो लाशें गिरी है जम्मू कश्मीर में, मेरे अपने सगा साला शहीद हुए, उन शहीदों का तोहीन किया उसने इस प्रकार की बात करते हुए। पॉलिटिक्स अपनी जगह, सरकार अपनी जगह, सरकार को लाख क्रिटिसाइज करिए, लेकर आप सेना को इस प्रकार की बात करेंगे? और ये लोग जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो है हमें सरमज दे रहे हैं संस्कृति का, भारतीय इतिहास का, क्या फारूक अब्दुल्ला ने जो राहुल गांधी को जगत गुरु शंकराचार्य से जोड़ा है, क्या ये इसके सहमत है इससे? ये जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, आपने सनातन की तोहीन की है, भारतीय संस्कृति की तोहीन की है, भारतीय इतिहास का तोहीन किया है। वो महान पुरुष, वो जगत गुरु शंकराचार्य जिन्हें भारत की संकल्पना दी, यह सांस्कृतिक भारत है, उसके ऊपर इस प्रकार के ऐसा व्यक्ति जिसको पता नहीं है उसने कौन सा क्या बयान कब देना है, आपके पूछनीय हो सकते हैं राहुल गांधी, लेकिन देश इस प्रकार की बात को स्वीकार करने के लिए नहीं मानता। ठीक है, कभी तैयार नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की बात करना, देश को तोड़ने की बात करना, ठीक है, ठीक है, कमलर राइट्स जो है करवाने की फारूक अब्दुल्ला की कोशिश नहीं थी? ठीक है, पीडीपी के प्रवक्ता भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। बरिंदर सिंह साहब,
शुरुआत में हमने जब देखा था इस तरह का बयान आया तो पीडीपी की तरफ से ये नसीहत दी गई कि ऐसे बयान से बचना चाहिए। अभी जब असहमति जताई है, आप इस रुख को कांग्रेस के और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह के स्टैंड को किस तरह से देखते हैं एक विपक्षी पार्टी होने के नाते? देखिए, ऐसे है कि दिग्विजय सिंह जी का बयान हमने भी कल सोशल मीडिया पर देखा था, तो उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उनका स्पष्टीकरण आया कि उनका निजी बयान हो सकता है। चलो, वैसे तो ये बयान दिग्विजय सिंह जी ने दिया और इस पे जवाब कांग्रेस ने देना, हमारा तो इस बयान से लेना देना नहीं। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि सेना हम सब की है, सेना पूरे देश की है, वो किसी व्यक्ति विशेष की या किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को सेना के नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो रूल है ये सब पे लागू होना चाहिए। हमने देखा है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमने अभी कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन अभी कह रहे थे तो सुन रहा था, सुबह राहुल गांधी जी को भी हमने सुना है। पहली बात तो ऐसे बयान देने नहीं चाहिए कि जिससे देश का भाईचारा जो खराब होता हो, जहां सेना के ऊपर कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन सेना का सियासीकरण भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने एक ऐसा दौर भी देखा है जब पुलवामा के शहीदों की फोटो लगाकर एक पॉलिटिकल पार्टी वोट लेना चाहती थी। आपको याद होगा जब पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन था तो सेना के शहीद जो पुलवामा में हुए थे, वो मेरे भी शहीद हैं, हम सबके शहीद हैं, उनके फोटो लगाकर भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना फायदा लेना चाहती थी, जो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी कहा, हम आज भी कहते हैं कि सेना के ऊपर सियासत नहीं की जानी चाहिए। और बाकी एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर देश के जो आज के हालात है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, जो देश की आज आर्थिक मंदी है, जो बेरोजगारी है, जब उन मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, सेना के ऊपर बात नहीं। भाई आज तो हमारे जो देश के नौजवानों की हालात है, हमें बात तो उसके ऊपर करनी चाहिए, देश की मौजूदा हालात है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने अभी उनके स्पोक्स पर्सन को अभी चैनल पर सुन रहा था, उन्होंने कहा जी उनका निजी हो सकता है, पार्टी का स्टैंड नहीं है, अब इसके ऊपर माफी मांगनी नहीं मांगनी ये दिग्विजय सिंह जी जाने। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं किसी की पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर को जी सेना के ऊपर कटाक्ष करने या सेना के ऊपर सियासत करने का हक नहीं है। सेना हम सब की है, हम सब का गौरव है। ठीक है ब्रिगेडियर धीमान साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी इस सवाल के साथ। चूंकि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगे और आज राहुल गांधी ने यह कहा है, उनका बयान मैं पढ़ देती हूं। उन्होंने कहा कि अगर सेना कोई ऑपरेशन करती है तो उसका सबूत देने की जरूरत नहीं है। तो एक वो बयान जो दिग्विजय सिंह ने पहले दिया और अब राहुल गांधी की तरफ से ये रिमार्क्स सामने आए हैं, एक रक्षा विशेषज्ञ कैसे देखता है इसे? देखिए सना जी, मैंने तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज सुने हैं, तो यहां मैं एक या दो तीन पॉइंट रखना चाहूंगा आपके सामने। जी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आप कुछ भी करिए, वी केयर अ डैम फॉर इट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एज सैनिक, हम सब देश के सैनिक हैं और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। परंतु आप मानिए कि दिग्विजय सिंह जैसे एक बुजुर्ग आदमी, एक मैं बोलूंगा एक्सपीरियंस आदमी, जब वो इस किस्म की स्टेटमेंट करता है तो 19, 20, 21, 22 साल का सैनिक जो अपने घर से दूर, अपनी फैमिली से दूर 15,000 से 18,000 फुट की ऊंचाई पे बैठा है, जहां उसके लिए खाना पीना, सांस लेना मुश्किल है और सामने गोलियां चल रही हैं, उसके ऊपर दुश्मन की आर्टिलरी की शेलिंग हो रही है, जान की बनी हुई है, वो क्या सोचेगा कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? क्या मैं उन लोगों के लिए लड़ रहा हूं जो हमारे बारे में ऐसे बयान देते हैं? तो ये पहला पॉइंट सबको समझना चाहिए, देश के सब लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिशियन है आपको गुमराह ना करे, तो कम से कम उसके जो मोटिवेशन है, उसका जो हौसला है, उसको नीचे ना किया जाए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी सेना चलती है ट्रेडिशन पे, जो हमने आज तक करी है, जो आज तक हमारा वैलर का ट्रेडिशन है, उसके ऊपर वो आदमी को मोटिवेट करता है कि भाई तुम अपनी जान पे आ जाओ। जबकि अगर आपने देखा होगा पे कमीशन के अंदर एक सैनिक को एक मजदूर के साथ जोड़ते हैं तो भी वो नहीं बोलता, तो भी वो आपके अगेंस्ट नहीं बोलता। तो इसलिए उसका मोराल जो है वो बहुत सर्वोपरि है यदि आपको सुरक्षा चाहिए। अभी बात आई कि आपको साक्ष्य चाहिए कि उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए ये डिफेंस की बातें हैं, इसमें सारी चीजें नहीं बताई जा सकती क्योंकि जो आज हमारे पास हमने किया है वो हम शायद दुश्मन को भी नहीं बताना चाहते। और मैंने आपको पहले भी बताया था यदि साक्ष्य चाहिए था, अगर वहां कुछ नहीं हुआ बालाकोट में, तो मुझे ये बताइए पाकिस्तान ने 23 दिन तक घेराबंदी क्यों कर रखी, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ क्यों किया? क्योंकि जो उसमें नुकसान हुआ था उसको रिपेयर करके 24वें दिन दुनिया भर के राजदूत लेकर के वो वहां पे क्यों पहुंचे?
दुनिया को क्यों बता रहे थे कि देखिए हमारी प्रोपोजिशन इंटैक्ट है? अगर वो पोजीशन इंटैक्ट होती तो पहले दिन ही बतानी थी। और अगर ये भी नहीं था, हमारा एक ऑफिसर उनके कब्जे में चला गया था, हमने भी उनका एक जहाज गिराया, उन्होंने भी हमारा जहाज गिराया, उस ऑफिस को छोड़ा उन्होंने विद इन नेक्स्ट वर्धमान को, उन्होंने 3-4 दिन के अंदर उनको छोड़ना पड़ा। और उनके गृह मंत्री ने, विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में जाके क्या स्टेटमेंट दी पाकिस्तान की, इससे बड़ा साक्ष्य आपको और क्या चाहिए? बिल्कुल, तो बार बार डिफेंस की कहा जाता है कि जब इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो जो जानकारियां होती हैं वो पब्लिक नहीं की जाती हैं। ये तो एक पॉलिटिकल बंदे को या फिर एक शहरी को समझना चाहिए। इस पर कई और सवाल करेंगे, खास मेहमानों के साथ चर्चा जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। खास मेहमानों के साथ हम मौजूद हैं और चर्चा उस मुद्दे पर जिसको लेकर बवाल और घमासान लगातार जारी है। दिग्विजय सिंह ने जो पिछले दिनों बयान दिया, सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगने की बात कही, उसके बाद से बवाल जारी है। और आज राहुल गांधी ने भी सफाई दी है, इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं और वो असहमति जताते हैं। उसके बावजूद भी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक बुजुर्ग नेता और सीनियर नेता होने के नाते उन्होंने जो अपना स्पष्ट करने की है ट्वीट के जरिए, अभी ट्वीट हमारे हाथ में है। मैं चाहूंगी कि हरिशंकर जी, शायद आपने लगभग एक घंटे पहले जो ट्वीट किए हैं, एक के साथ 4 ट्वीट किए हैं दिग्विजय सिंह ने, उस ट्वीट में भी ये जिक्र नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात जो उन्होंने कही थी उस पर वो शर्मिंदा हैं, बल्कि वो मोदी गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था, इतना भारी मात्रा में जो आरडीएक्स था वो कैसे आ गया। ये बात ठीक है, वो सवाल करें, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जो बयान दिया था उस पर कोई बात वो नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस पर माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपकी बात स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी में वक्त दिग्विजय सिंह नहीं है? भारत जोड़ो यात्रा में वो साथ साथ चल रहे हैं, तो इतनी दूरी कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह के बीच क्यों इस वक्त दिखाई दे रही कि वो अपने नेता को नहीं कह पाते कि जो आपने बात कही है वो सही नहीं है? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूं, उससे पहले 10 सेकंड में आपसे चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, वो इसलिए चाहूंगा कि आज कांग्रेस का छोटा बड़ा हर कार्यकर्ता, छोटा बड़ा हर नेता दिग्विजय सिंह जी के बयान की भर्त्सना कर रहा है, और उसका प्रूफ मैं देना चाहता हूं। मैं प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी का जी, और उसके नाते से मुझे खुद इतना दुख हुआ कि मैंने 1.5 घंटा पहले एक ट्वीट किया, मैं उसको पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। अगर आप मुझे देख सकें, इसमें दिखाई नहीं देगा लेकिन 4 लाइनें मैं आपको सुना देता हूं। राहुल गांधी को सलाम, कांग्रेस ने सदैव भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को श्रेष्ठ माना है। दिग्विजय सिंह के वक्तव्य की टाइमिंग एक सुनियोजित षड्यंत्र की ओर इशारा करती है, क्योंकि यह भारत जोड़ो यात्रा आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है। अब बताइए, मेरे जैसे कार्यकर्ता जो मैं सोचता हूं और जो मैं लिख रहा हूं, ट्वीट कर रहा हूं, सारे कार्यकर्ता छोटे बड़े इस बात से सहमत हैं और इस बयान की भर्त्सना करते हैं, हम तो यही कर सकते हैं जी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है उसके लिए माफी मांगने की जो बात है वो दिग्विजय सिंह करेंगे माफी मांगने की। वही तो मैं पूछ रही हूं सर, दिग्विजय सिंह तो अभी कांग्रेस पार्टी में है ना सर, कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं अभी, तो इतनी दूरी कैसे कांग्रेस पार्टी और एक बड़े सीनियर लीडर के बीच, जब राहुल गांधी आकर ये सफाई देते हैं कि वो सेना के साथ है, सब कुछ साफ है, तो दिग्विजय सिंह ये बात क्यों नहीं कह पाते, क्यों ट्वीट नहीं कर पाते? ट्वीट किया भी तो उसमें जिक्र नहीं किया कि वो अपनी जो बातें कह रहे हैं करना चाहिए, हम तो बड़ा सख्त शब्दों में कह दिया। अब बताइए, इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं, सख्त शब्दों में कह दिया, परेशानी खड़ा कर रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन वो ट्वीट करें, वही तो मैं पूछ रही हूँ, चाहिए इतनी दूरी क्यों है सर? कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, दूरी नहीं है, उनको बता दिया गया है, क्या बताया, दूरी नहीं है। आपने शायद वीडियो नहीं देखा, दिग्विजय सिंह को प्रेस वालों से बात करने के लिए खुद जयराम रमेश ने मना भी कर दिया, देखा है जी, आपने देखा नहीं कुछ, देखा है हमने कल इस पर बात भी की थी, खुद जयराम रमेश ने मना किया कि आप बात नहीं करोगे, यही कर सकते हैं, ठीक है, यही किया जा सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता। क्या पॉलिटिकल
क्या राजनीति में रहते हुए अगर कोई नेता इस तरह का बयान देता है तो क्या राजनीति से जुड़े हुए शख्स इस बात को उन पर ये नहीं कह सकते कि आपको माफी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? इस सवाल का जवाब में देश का हर कार्यकर्ता कह रहा है, राहुल गांधी जी ने कह दिया, सहमति जता दी, स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी कीमत पर सेना के शौर्य और पराक्रम पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। डॉक्टर निर्मल सिंह आप कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड, ठीक है, देखिए सना, अच्छा वो साजिश की बात कर रहे हैं, साजिश की भी बात कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा इतनी कामयाब रही है, तो अपने ट्वीट के जरिए पूर्व विधायक साहब अभी पढ़कर सुना रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ट्वीट में मैं ये बात कह चुका हूं कि कहीं ना कहीं साजिश की जा रही है, इतने भारी मात्रा में लोग भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हो रहे हैं, तो जैसे जैसे उसकी काबिलियत बढ़ रही है वैसे वैसे इसे बिगाड़ने की कोशिश और साजिश की जा रही है। निर्मल सिंह साहब, कुछ ताकतें हैं जो जो हिम्मत हरिशंकर जी दिखा रहे हैं, क्या वो राहुल गांधी नहीं दिखा सकते? दिखा दिया। मैं आपको क्यों कह रहे हैं आप? नहीं नहीं सुनिए, आपकी बात जानता हूं, आप सारी बातें कह रहे हैं लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे? ये आपकी जो है कांग्रेस की बिल्कुल जो है पूर्व नियोजित जो है स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी है निर्मल सिंह जी, ये है मत उठाइए उसको, है लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करना, ये स्ट्रैटेजी है। राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे? निर्मल सिंह जी आपने आपके लिए आप थोड़ी बात आपको ये बताइए, सुबह से क्या फारूक अब्दुल्ला के बयान से आप सहमत हैं? वो जो उसने राहुल गांधी को जगत गुरु शंकराचार्य से जोड़ा है, ये पहले भी बयान आए हैं, कई बार बयान है, इनसे पूछो ना, जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था आपने हिम्मत उनसे पूछने की? जो जो आपने हिम्मत उन्होंने सामने आप लोगों ने ऐसा ही सवाल उठाया था सेना के शौर्य के ऊपर जो है, निर्मल सिंह जी आप उनसे पूछिए, हरिशंकर पूछिए ना, जो है शौर्य के सवाल को लेकर कर रहे हैं। हरिशंकर साहब आपने कहा, आपने ट्वीट को पढ़कर सुनाया, उस ट्वीट में ये जिक्र किया कि कोई साजिश है, कोई ताकत है, तो किस तरफ आपका इशारा है, कौन सी साजिश और कौन सा ताकत हो सकती है? नहीं मेरा सिर्फ हम देखिए हमारे मन में गुस्सा है, उनका 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 प्यार आया, वो हमारे मन में गुस्सा हुआ है, हमारे जैसे बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में, राहुल गांधी क्यों नहीं इस तरह को राहुल गांधी के लिए बोलते? ठीक है, इसके ऊपर जो है स्टैंड वरिंदर साहब का बयान और राहुल जो दिग्विजय का बयान, राहुल गांधी अगर कोई नेता, आप भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वरिंदर साहब, अगर कोई पॉलिटिकल शख्स की तरफ से कोई नेता इस तरह का बयान देता है तो क्या उसके सरबरा और उसके अध्यक्ष जो कि रहे हों उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए या फिर असहमति और निंदा जता देनी काफी? सना जी की देखिए सन्ना जी ऐसे है कि बयान दिग्विजय सिंह जी ने दिया और जो हमने मीडिया पे सुना है राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने उस बयान से किनारा कर लिया है। अभी हमारे साथ जो डिबेट पर बैठे हैं हमारे भाई जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है वो भी कह रहे हैं, वो अपना ट्वीट पढ़ के भी सुना रहे हैं कि हमने ये बात की है, तो मैं तो हमारा जो पोलिटिकली स्टैंड है भी किसी भी पोलिटिकल पार्टी को सेना के ऊपर राजनीति करने का हक नहीं है, नंबर एक। जनरल साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी ये बात कह रहे हैं। नंबर दो, दूसरी बात तो ये है भाई, हम तो ये कहना चाहते हैं कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन दुख है कि बात हम किस पे करते हैं, मतलब उस बात पे बात करते हैं जिसका जो 5 साल पहले हुई है। हम तो कहते हैं कि आज का जो भारत है, आज भारत की अगर हम बात करें, आज मुझे बताइए हमारे मुद्दे कौन से हैं? आज अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, मैं जम्मू की बात करूं, आज बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जम्मू कश्मीर में एक सिलसिला चल रहा है, आज मुझे देखिए 4 दिन पहले, आखिर आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे को हवा दी जा रही है जानबूझकर? नहीं, हम तो कहते हैं कि जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर बात कीजिए। जब बयान किसी ने दिया है या नहीं दिया है, मैं कहता हूं वैसे बयान आने ही नहीं चाहिए अगर कांग्रेस पार्टी ने उससे किनारा कर लिया, लेकिन मैं अभी भी ये बात कहना चाहता हूं कि असल मुद्दों का ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। जिन मुद्दों जब जो आज हिंदुस्तान के मुद्दे हैं, मेरे देश के मुद्दे हैं, खासतौर जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं, उनके ऊपर बात करें, सारा जोर उनके ऊपर लगाएं। आज नौजवान की बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए,
आज हमारी अर्थव्यवस्था पर बात होनी चाहिए, आज रोजगार के अवसरों की बात होनी चाहिए, आज अनएम्प्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए, लेकिन वो करता ही कोई नहीं। ठीक है, असल मुद्दे से भटक रहे हैं और भटकाने की भी कोशिश ही, पीडीपी का कहना है असल मुद्दे पर बात नहीं होती। ब्रिगेडियर धीमान साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आखिर में आपका कमेंट चाहूंगी कि अगर इस तरह से कोई नेता बयान देता है, अगर उसी वक्त माफी मांग लिया जाए, उन्हें उनकी तरफ से कह दिया जाए कि गलती हो गई उनसे, ये उनकी जबान से निकल गया, जैसे कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता के नाते हमारे बीच हरिशंकर गुप्ता साहब मौजूद थे, तो इतना काफी नहीं हो जाता क्या? अगर सेंटिमेंट हर्ट हुआ है लेकिन फिर भी वो अपने बयान पर कायम है, तो किस तरह से लेना चाहिए? देखिए सना जी, मुझे मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं, कि स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, परंतु जो अपने दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता हैं या एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस हैं, उनके मुंह से ऐसा स्लिप ऑफ टंग एक्सपेक्टेड नहीं है, और अगर हो भी गया है तो उनको सेना से माफी मांगनी है, ना कि देश की जनता से। मैं सॉरी बोल रहा हूं, मैं देश की जनता से पहले सेना से माफी मांगनी है। और दूसरा, मैं उनके ऊपर एक दो चार सवाल पूछना चाहूंगा जी। कौन सी गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान के अंदर जब 1947-48 में J&K में ऑपरेशंस हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की किताब 64 में तैयार थी, वो 87 तक डिस्क्लोज नहीं की गई, वो किस किस गवर्नमेंट ने नहीं की? उसके बाद हेंडरसन ब्रुक की रिपोर्ट है 1962 ऑपरेशंस के ऊपर, वो कौन सी गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज नहीं की? उसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी बीजिंग में ओलंपिक्स के दौरान जब चाइना गए थे, तो वहां पे क्या समझौता करके आए थे सीसीपी पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ? तो जब बात होगी तो पिछले बरस भी पलटे जाएंगे, इस तरफ ध्यान दिला रहे, रोशनी डाल रहे रक्षा विशेषज्ञ। और साथ ही उनका ये कहना है कि अगर एक कद्दावर नेता इस तरह का बयान देता है तो जाहिर सी बात है उससे सेंटिमेंट भी हर्ट होता है, और उन्हें जनता से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सेना से माफी मांगने की जरूरत है, ये बात उन्हें समझने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस ने कह दिया कि उनका एक एक कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह के बयान के साथ नहीं उसकी भर्त्सना करता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भड़की हुई है, तो दूसरी विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के प्राइम डिबेट इंडिया में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए News18 JKLH। नमस्कार।